गोरखपुर का रुख हमें करना पड़ेगा, जहां योगी आदित्यनाथ हैं वहां पे, और इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं उन्हें सुनते हैं। स्वच्छता के बाहक, नियों के पत्थर, इन सफाई कर्मचारियों को इस अवसर पर पर्व और के त्योहार के पहले, ठीक पहले इनका स्मरण किया, आज उन्हें सम्मानित किया, और सम्मानित करने के साथ ही यहां पर सभी महानगर के अंदर सभी सफाई कर्मचारियों को इसी प्रकार का सम्मान नगर निगम के द्वारा, महापौर के द्वारा, पार्षदों के द्वारा, पूरे नगर निगम बोर्ड के द्वारा, नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा इसी प्रकार से दिया जाएगा। इस विश्वास के साथ कि जो कार्य गोरखपुर नगर निगम का है, यही कार्य अन्य नगर निकाय भी करें, प्रदेश भर के नगर निकाय करें, जिससे पूरे प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमें मदद मिल सके। दीपावली हर्षोल्लास का हमारा पावन पर्व है, हम खुशी मनाते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं। दीपोत्सव का आनंद तभी है जब स्वच्छता रहेगी। स्वच्छता के लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा, सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को संकल्प लेना पड़ेगा कि स्वच्छता के इस कार्यक्रम का हम हिस्सा बनेंगे। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में मैं भी, मेरी भी अब सहभागिता होगी, पूरा सहयोग करूंगा। मेरे स्तर पर किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई गंदगी नहीं फैलाई जाएगी, या गंदगी चाहे भौतिक रूप से हो चाहे वह किसी अन्य प्रकार से हो, वह किसी भी रूप में समाज के बीच में वातावरण जिससे खराब हो, इस प्रकार का माहौल किसी को बनाने नहीं देना है। और इस कार्यक्रम के साथ आज हम सब जुड़ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ वर्ष पहले तक हम गोरखपुर महानगर के अंदर बरसात के समय एक बरसात पड़ जाती थी, पूरा गोरखपुर महानगर जल प्लावित हो जाता था। अब गोरखपुर में एक दिन मैं देख रहा था, पूरे रात भर बारिश पड़ी, सुबह जब हम लोग निकले तो कहीं भी जल जमाव नहीं था। ये दिखाता है विकास हुआ है। और बोड़धोवा नाला का काम पूरा हो जाता है तो फिर तो गोरखपुर के उत्तर में तो जल जमाव का सवाल ही नहीं होता, सारी समस्या का समाधान यहां का कर देगा। ये फोर लेन की सड़क बन रही है, साथ साथ नाला बनेगा, फिर जल जमाव की राप्ती नगर की समस्या का भी समाधान होगा, गोड़धोवा नाले का काम भी पूरा होगा, सुंदरीकरण का कार्य होगा, ट्रैफिक की समस्या का भी समाधान होगा, और साथ साथ जल जमाव की समस्या का समाधान हमेशा के लिए गोरखपुर महानगर वासियों को मिलेगा। और जो गोरखपुर के बारे में पहले कहा जाता था गोरखपुर एक टापू है, वह टापू नहीं रहेगा, बल्कि गोरखपुर आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी विकास के लिए, स्वच्छता के लिए, सुंदरता के लिए जाना जाएगा। जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति, ये मनुष्य की नियति होनी चाहिए, और निरंतर उसके लिए प्रयास, एक सार्थक प्रयास हम सबके स्तर पर होना चाहिए। दीपावली का पर्व भी इसी बात के लिए प्रेरणा देता है। और मैं इस अवसर पर आप सबसे कहूंगा, जैसे नगर निगम ने इस अवसर पर सफाई कर्मचारियों को सम्मान दिया है, ऐसे ही मैं गोरखपुर महानगर वासियों से कहूंगा, खुशी अकेले नहीं, अपने अकेले घर में बंद कमरे में नहीं मनाई जाती है। खुशी मनाने के लिए हमें समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। एक एक गरीब को, एक एक मोहल्ले में इस वंचित को, जिस व्यक्ति तक अभी खुशी नहीं पहुंच पाई है, उस तक अपनी खुशी पहुंचाने के लिए हर घर तक हम भी अपने घर में जिन बातों को, जिन कार्यों को, जिन खुशियों को मना रहे हैं, उनको उस गरीब के घर में भी कम से कम एक या दो परिवारों को गोद लेकर के उन लोगों को भी उस खुशी के साथ जोड़ने का काम गोरखपुर महानगर का हर व्यक्ति करेगा, तो हर घर में दीपावली की खुशी मनाती हुई दिखाई देगी और आपकी दीपावली कई गुना बढ़ जाएगी, इसका उत्साह कई गुना बढ़ जाएगा। पर्व और त्योहार के पीछे भी इसी सामूहिकता का भाव है, एकांकीपन नहीं है, अकेले में नहीं कि रवि किशन अपने घर में अकेले दीपावली मना रहा है। भाई दीपावली का मतलब तो यह है कि सबके साथ मनाना है,
अगर मेरे घर में पकवान बन रहे हैं तो उस पकवान गरीब के घर में भी पहुंचना चाहिए। मेरे घर में मिष्ठान आया है तो गरीब के घर में भी पहुंचना चाहिए। मेरे घर में फुलझड़ी और आतिशबाजी के सामान है तो एक गरीब को भी हम इसके लिए अपने साथ जोड़े, क्या हो भाई मिलकर के पर्व और त्योहार का आनंद ले। मेरे घर में अगर दीप चल रहा है उस गरीब के घर में भी ये दीप जलना चाहिए, जिसके उसका घर भी रोशनी कर सके। और यह कार्यक्रम पूरे गोरखपुर महानगर में, पूरे प्रदेश भर में मैं अपील करूंगा, इस कार्यक्रम के साथ हम जोड़ेंगे तो सामाजिक समता, सौहार्द और राष्ट्रीय एकता का एक मजबूत गढ़ के रूप में हम उत्तर प्रदेश को स्थापित कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से दीपावली की बधाई आप सबको देता हूं। दीपावली की खुशियां आपके जीवन में इसी प्रकार का उल्लास का माहौल पैदा कर सके, इसके लिए आप सबके प्रति मेरी हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। और उन्होंने कहा कि स्वच्छता हमारी पहली प्राथमिकता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है और यहाँ पे संबोधित करते हुए कई बातों का जिक्र किया, उनके साथ सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ सफाई मित्र सम्मेलन सम्मान समारोह जिसको संबोधित किया और स्वच्छता पे जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, हमारी कोशिश है कि हर गरीब के घर में दिया जले, हर गरीब का घर जो है वो रोशन हो। क्योंकि इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ जब भी कहीं किसी जिले के दौरे पे गए हैं, वहां पे जब संबोधित किया है तो उन्होंने बताया कि बदलाव कैसे ला रहे हैं, राम राज्य कैसे लाना है, कैसे गरीब को केंद्र में रख के उसके लिए योजना बनाई जा रही है, कैसे उसके लिए सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा इलाज, अच्छी कानून व्यवस्था, अच्छा विकास, ये प्राथमिकता रही है। जिन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को यानी आज से 10 वर्ष पहले देश के अंदर पूरे देश की आत्मा को झकझोरने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक व्यक्तिगत और सार्वजनिक रूप से भी स्वच्छता के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना था और उसके साथ सहभागी बनकर के इसे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि सफाई का कार्य के साथ साथ खुले में शौच भी न हो, इसके लिए हर घर में एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। 10 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बनाए गए। सार्वजनिक स्थानों पर ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय बनाए गए। परिणाम क्या रहा कि नारी गरिमा की भी रक्षा हुई और समाज का वातावरण भी स्वच्छ और सुंदर देखने को मिला और आज उसका लाभ हर तबके का व्यक्ति ले रहा है। समाज की छवि भी अच्छी हुई है, सबको इसका लाभ आज दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, व्यक्तिगत जीवन में स्वच्छता के प्रति, सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता के प्रति प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत मिशन एक मील का पत्थर साबित हुआ और इसने हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। पर्व और त्योहार के पहले वैसे भी हर घर में सफाई होती है, पुताई होती है। स्वाभाविक रूप से उसका जो बाहक है, यह कार्यक्रम अपनी सफलता की ऊंचाई को प्राप्त कर सके इसके लिए सफाई कर्मचारी का सम्मान आवश्यक है। नगर निगम गोरखपुर को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्वच्छता के बाहक, नींव के पत्थर, इन सफाई कर्मचारियों को इस अवसर पर पर्व और त्योहार के पहले, ठीक पहले इनका स्मरण किया, आज उन्हें सम्मानित किया और सम्मानित करने के साथ ही यहां पर सभी महानगर के अंदर सभी सफाई कर्मचारियों को इसी प्रकार का सम्मान नगर निगम के द्वारा, महापौर के द्वारा, पार्षदों के द्वारा, पूरे नगर निगम बोर्ड के द्वारा
नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा इसी प्रकार से दिया जाएगा। इस विश्वास के साथ कि जो कार्य गोरखपुर नगर निगम कर रहा है, यही कार्य अन्य नगर निकाय भी करें, प्रदेश भर के नगर निकाय करें, जिससे पूरे प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमें मदद मिल सके। दीपावली हर्षोल्लास का हमारा पावन पर्व है, हम खुशी मनाते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं। दीपोत्सव का आनंद तभी है जब स्वच्छता रहेगी। स्वच्छता के लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा, सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को संकल्प लेना पड़ेगा कि स्वच्छता के इस कार्यक्रम का हम हिस्सा बनेंगे, इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में मेरी भी अब सहभागिता होगी, पूरा सहयोग करूंगा। मेरे स्तर पर किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई गंदगी नहीं फैलाई जाएगी, या गंदगी चाहे भौतिक रूप से हो चाहे वह किसी अन्य प्रकार से हो।